चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे हेरोल्ड्स फॉर्मूला के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस, ठीक है? राइट डाउन क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, आपको लिखना है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क आर 8 मीटर. द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क आर 8 मीटर. टेन मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली. क्लियर? अ स्मॉल सर्कुलर एरिया ऑफ डायमीटर 2 मीटर. अ स्मॉल सर्कुलर एरिया ऑफ डायमीटर 2 मीटर is to be left out and the remaining area is to be used for growing roses. Clear? How much area is used for growing roses? Use pi equal to 3.14. थर्टी सेकेंड आपके लिए, आप उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा. देखो जिस क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हो उस पर अवश्य डायग्राम बनाए, आपको बहुत फायदा होगा. क्लियर? आप सोचो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है उसने. गोल सही है वो, बट थोड़ा सा और उसको डायरेक्शन सही दो. अरे सर्कल का एरिया में से ट्राइंगल का माइनस करेंगे, ऐसा बोल रहे हो? ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो फिर से. अरे ये ट्राइंगुलर पार्क है, पार्क बनाया हमने एबीसी, ए मान ली उसकी लेंथ 8 मीटर, बी मान ली उसकी लेंथ 10 मीटर और सी मान ली हमने 6 मीटर. क्लियर? फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अ स्मॉल सर्कुलर एरिया ऑफ डायमीटर फलाना इज टू बी लेफ्ट आउट. तो पार्क के अंदर छोड़ा गया होगा ना बेटा कहीं पे, इसका डायमीटर कितना बोल रहा है वो 2 मीटर, ये छोड़ दिया, ठीक है, और बाकी बचे एरिया में उनको रोजेस उगा दे. तो किसमें से किसको माइनस करेंगे? हाँ, और आप क्या बोल रहे थे अभी? आपने उल्टा बोला था, आपने उनका सर्कल से ट्रायंगल माइनस करना है ना? क्या माइनस करना है, समझ गया होगे? हमको करना क्या, अल्टीमेटली करना क्या है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ सर्कल. हाँ कि ना, इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो,
मेजर इक्वेशन है ना, इसे ए दे दो। क्लियर? नाउ अब खत्म। अब हेरोल्ड्स फॉर्मूला से आप ट्रायंगल का एरिया निकालिए और फिर सर्कल कर दीजिए। करिए हाँ बेटा, हाँ कर रहा हूं। क्यों? अच्छा, तबीयत खराब थी ना उनकी तो? अच्छा, कोरोना से? अच्छा, ऑपरेशन में गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं बेटा, ये रिकॉर्डेड है ना, ये रिकॉर्ड रहेगी। हेवन्स को बोलो, पूरा चैप्टर रिकॉर्डेड रहेगा। तो देखो इसको है ना सिस्टमेटिकली करना है। इतना प्रेजेंटेशन दोगे तो आपके मार्क्स कहीं भी डिटेक्ट होने के चांस बिल्कुल नेगलिजिबल रहेंगे। क्लियर? नाउ देखो, इन ट्राइंगल एबीसी ए इक्वल्स टू 8 मीटर, बी इक्वल्स टू 10 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 6 मीटर। सीधे एस निकाल लीजिए। पहले हेवल्स फॉर्मूला, वी नो दैट बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? बोलो, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज व्हाट? एल बेटा कुछ तो बोलो। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, s निकाल लेते हैं, 8 प्लस 10 प्लस 6 अपॉन 2, 10, 8, 18, 6, 24 ही होता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, आपके में भी इतना ही होता है। वेरी बढ़िया, 12 मीटर आ गया s, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 12 into 12 minus 8 into 12 minus 10 into 12 minus 6. So root over 12 into 4 into 2 into 6. Clear? इसको मैंने आपको बताया, prime factors करते जाओ यहीं के यहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 3. और फिर ये क्या हो जाएगा? 2 into 2. ये तो अकेले ही है बेचारा। और ये क्या हो जाएगा? 2 into 3. Pair बना दो, एक दो तीन और एक थ्री का, तो 2 into 2 into 2 into 3, 2 to the 4 to the 8 to the 24 होता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये आ गया 24 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 1 एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। डायमीटर 2 मीटर था तो हम यहीं पे लिख लेंगे, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 मतलब 1 मीटर, तो 3.14 into 1 का स्क्वायर मतलब 3.14 ही आएगा मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट के मार्क्स होते हैं। तो पुट 1 एंड 2 इन ए, देयरफॉर required area is equals to 24 minus 3.14. clear? कितना आ जाएगा? 20.786 meter square is the area where the roses are planted. clear? copy कर लो बड़ा। देखो इतना presentation दोगे आप, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एबल टू स्कोर 100 out of 100। कहीं मैडम को हमने चांस दे दिया मार्क्स काटने का। इनफैक्ट हमने तो डायग्राम का कितना प्रॉपर बनाया हुआ। क्लियर? चलो कॉपी कर लो बेटा। इसी तरह की चीजें एप्लीकेशन में आती है ना, इसी तरह की चीजें एप्लीकेशन में आएंगी।
अलग अलग डायग्राम से उसमें आपको क्या करना है, कहीं भी दो ट्राइंगल बना के ऐड कर दिए जाएंगे या एक पैरेललोग्राम में से ट्राइंगल हटा दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। हो गया डन। परी डन बेटा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। बड़ी आवाज आ रही है बेटा, बड़ी आवाज आ रही है। बेटा आवाज आ रही है, परी चलिए राइट डाउन इन द फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल of dimensions 4 cm and 6 cm. E and F are the midpoints of AB and BC respectively. Find the area of the shaded portion. Find the area of the shaded portion. ये area आपको निकालना है। Try करते हैं ना, try करते हैं।
किस तरह से कर सकते हैं ध्यान से देखो। पहली बार तो रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है तो सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? डायग्राम बना लीजिए, पहले लिख लीजिए पहले ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर राइट एंगल, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, देखो ना पहले बार सीखते हैं, फिर इसमें अगर यूज हो तो इसमें करेंगे, अगर इसमें नहीं हो करेंगे, जरूरी नहीं हमको अगर बोला जाए तो ही करना है। जैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप इस एरिया का फॉर्मूला, पहले तो शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ईबीएफ। तो रेक्टेंगल में ये डायरेक्ट निकल जाता है 6 × 4, क्लियर? माइनस ईबीएफ तो राइट ट्राइंगल है ना, तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है, हाफ इनटू बेस मतलब ईबी इनटू हाइट मतलब बीएफ, और ईबी क्या है क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो एबी का आधा हो जाएगा 6 × 24 माइनस 1/2 इनटू एबी अपॉन 2 मतलब 6/2, BF क्या हो जाएगा CB upon 2 मतलब 4/2, तो 2 × 2 = 4 गया, 2 × 2 = 24 माइनस 3 होता है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। क्लियर? कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट वो समझाने के लिए था। अब बाय द वे मान लें आपका राइट ट्राइंगल नहीं होता तो स्केलिंग टाइप का ट्राइंगल बनता, कुछ भी उठ पटा दें, हाँ ऑब्वियसली इसकी साइड अपन को दी होती ना किसी ना किसी बहाने से, इसके रिंग ट्राइंगल होता है किसी ना किसी बहाने से अपन को उसकी साइड्स दे दी जाती, तो फिर क्या करते, तो यहाँ पे जो अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट लगाया है उसकी जगह हम लगा देते हैरोल्ड्स फार्मूला, क्लियर? तो वो हो रहा था हमारा हैरोल्ड्स फार्मूला का एप्लीकेशन, किसी भी ट्राइंगल का एरिया जिसकी हमको साइड्स पता हो, फॉर दैट वी विल यूज द हैरोल्ड्स फार्मूला, क्लियर? पर ही कोई डाउट बेटा किसी प्रकार का भी तो है नहीं आज, चलो आई होप यहां तक की बड़ी कहानी, इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कुछ चीजें मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ जो आपके अगेन अगेन आई अगेन रिपीटिंग ओलंपियड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कुछ फॉर्मूले हैं जो अपन को बनने चाहिए, इतना कॉपी कर लो फटाफट।
वेरी डन। चलिए मैडम सम यूजफुल फॉर्मूला, अभी कुछ एप्लीकेशन से क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी हम कुछ जरूरी फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। पहले लिखते हैं रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करते हैं। रेक्टेंगल डायग्राम भी सबको आता है, ध्यान देना। एल बी और इसकी लेंथ मान लेते हैं, ये डायग्राम की है, ठीक है? तो हम इसमें तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एरिया क्या हो जाएगा इसका, एल इंटू बी। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, टू इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर का बाउंड्रीज एड कर दीजिए, और लेंथ ऑफ डायग्राम क्या हो जाएगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो अपना ट्राइंगल बन जाएगा। कोई दिक्कत है तुम्हें, और लिख लीजिए सेकंड स्क्वायर बिल्कुल सेम, बस एल इक्वल टू बी लगा दो हर जगह। ये ए हो जाएगा, ये ए, ये ए, ये ए, और यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल। एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, पेरीमीटर हो जाएगा ए ए ए ए, टू इंटू ए प्लस ए मतलब फोर ए, और लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट ओवर टू ए स्क्वायर मतलब ए रूट। क्लियर, इतनी चीज अपन को पता होनी चाहिए। तीसरा पैरेललोग्राम में बिल्कुल मिलता जुलता रेक्टेंगल जैसा होता है, बट थोड़ा सा चेंज होता है। क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम में, यू होता है पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ए बी सी डी, ये सब चेंजेस बस देखना। यहां पर अपन ने एक हाइट गिराई हुई है, दैट इज एच, ये ए है, ये बी है, तो एरिया तो बिल्कुल उसके जैसा होगा, बेस इनटू हाइट, तो ए इनटू एच, और पेरिमीटर निकलेगा इसमें 2 इंटू ए प्लस बी, ये ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। क्लियर, एक रोमबस नामक चिड़िया भी आपने सुनी होगी, पिछले साल पूरी फैमिली होती थी इसको अपन पढ़ते थे। चौथा रोमबस, रोमबस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है बट 90 डिग्री नहीं होते। मान लीजिए ये डी वन है, ये डी टू है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स होती है, क्लियर, लेंथ ऑफ डायगोनल्स होती है डी वन डी टू, ये गिवन होता है, अगर ये चीज दी हुई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ। इसका फॉर्मूला बहुत जरूरी है आपको पता होना, एरिया होता है 1 बाई 2 इंटू डी वन इंटू डी टू, क्लियर। और इसमें एक और चीज जो बहुत जरूरी हमको हमेशा पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, वैसे तो चारों साइड्स का सम हो जाएगा, लेकिन हमको डी वन डी टू पता होता है जनरली इसमें, तो हम उसमें पेरीमीटर के लिए जो हम निकालते हैं वो हमारा होता है 2 टाइम्स रूट ओवर डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर। बहुत आसान है प्रूफ करना, क्योंकि ये आपस में बायसेक करते हैं राइट एंगल में, तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, डी वन बाई टू का होल स्क्वायर डी टू बाई टू का होल स्क्वायर। अरे बस चार का ऐड करता है तो अपॉन टू बाहर आता है, फोर से कट जाता है तो वहां पे टू बच जाता है, और रूट ओवर डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर अंदर रहता है। करके देखो मैं प्रॉपरली, तो ज्यादा ही प्रूफ हो जाएगा आपसे, क्लियर। अगला आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है, और इसकी मान लो हाइट दी हुई है अपने को, एच दी हुई है,
और जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो पैरेलल साइड्स का पेयर है उसको ए और बी मान लो, इसको ए माना इसको बी मान लो, इसका मतलब हमको इंपॉर्टेंट होता है एरिया, इसका होता है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ऐसे याद करना है मैंने बोला आपको, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इस तरह से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, क्लियर। ट्राइंगल के बारे में मैंने सारी कहानी आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, जो हमारा पुराना लेक्चर था हेरोल्ड फार्मूला का, उसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई है। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, फॉर अ रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज ए, हेक्सागन मतलब छह साइड होंगी सबकी ए लेंथ है, रेगुलर है इसलिए ए है, सारी साइड्स बराबर होंगी, अरे इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, उसको कहते हैं रेगुलर, ठीक है। इसमें क्या होता है देखना, अपन समझते हैं पहले चीजों को, ये एक रेगुलर है इसलिए इसमें देखना क्या होता है, इसमें बनते हैं छह इक्विलेटरल ट्रायंगल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा इसका, 6 टाइम्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा 6 टाइम्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 टाइम्स ए स्क्वायर, अगर ए का साइड भी हुई है तो सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा, 2, 3 आंसर निकल के आ रहा है अपना 3√3/2 टाइम्स ए स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये अगर याद हो तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और डायरेक्ट रेगुलर एग्जाम को क्वेश्चन फंस जाता है आपको कोई मैथ्स ओलंपियाड जैसी चीजों के लिए, तो ये सब चीज आपकी तैयार होनी चाहिए दिमाग के लेवल पे। पेरीमीटर तो बच्चा बच्चा जानता है, मेन चीज का ये ध्यान रखना 6 टाइम्स इक्विलेटरल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन, क्लियर, और पेरिमीटर 6a के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े हुए थे, ये हमारा सारा का सारा एरिया ऑफ अलग अलग फिगर्स है, ठीक है, कोई डाउट किसी प्रकार का, देखो जनरल है बिल्कुल, सारे खत्म होने चाहिए तो अपन इसकी एप्लीकेशन में कूद पाएंगे, क्योंकि हो सकता है बोलेगा कि ये इसमें से इस फिल्म का आएगा, बनना उसका एरिया बताओ कितना होगा, कैसे करोगे, हर उस फॉर्मूला लगे ही लगेगा, बट इसका फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए, तो बैठे आओ। अभी जो मैंने ट्राइंगल वाला क्वेश्चन किया इसके पहले वाला, उसमें क्या था, ट्राइंगुलर गार्डन था, अब मैं बोल दिया भैया मान लो हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागोनल गार्डन है, अब बताओ और उसमें सर्कल काटना है, आपको इसका एरिया नहीं पता होगा निकालते फिर क्या करोगे, क्लियर। अब कुछ भी कठिन नहीं है, ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं है रेगुलर हेक्सागोनल, तो पता होना चाहिए छोटी छोटी सी, क्लियर। तो अभी तक की क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली हमसे डिस्कस कर सकते हो, और कुछ भी बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एक दो क्वेश्चन इसके बहुत शानदार बच्चे हुए वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, क्लियर। आज कोई डाउट परी किसी प्रकार का, चलिए फिर आगे नहीं रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा, दैट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें पूरे पूरे कंसेप्ट घुस जाएंगे, क्लियर। अच्छा नहीं रुकेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास, हेलो बर्थडे।